हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जाहिदा होम्योपैथिक फिजिशियन आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का टॉपिक है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। हम में से बहुत सारे लोग ओबीज या मोटे हैं जिसे कम करना बेहद जरूरी है। आज के वीडियो में हम जानेंगे मोटे होने की वजह, इससे आने वाली बीमारियां, मोटापे के लक्षण, कुछ जरूरी टेस्ट, मोटापे का इलाज और होम्योपैथिक दवाइयां जो आपका वजन कम करने में मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओबेसिटी या मोटापा एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है जिसमें शरीर में हद से ज्यादा फैट जमा हो जाती है जिसकी वजह से हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। चलिए जानते हैं कि हम मोटे क्यों होते हैं, इस ओबेसिटी का रीजन क्या है। नंबर एक, ईटिंग यानी कि हमारे शरीर की जरूरत से ज्यादा खाने से। नंबर दो, अनहेल्दी ईटिंग यानी कि ऐसा खाना खाने से जिसमें कैलोरी ज्यादा हो, जैसे कि तली हुई चीजें, चीनी से बनी हुई चीजें वगैरह। नंबर तीन, फिजिकल इनएक्टिविटी, ज्यादा देर एक ही जगह पर बैठे रहने से या फिर फिजिकली कम मेहनत करने से। नंबर चार, स्ट्रेस यानी कि तनाव या चिंता से शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी कि पचाने की शक्ति धीमी हो जाती है, पाचन शक्ति धीमी हो जाती है। नंबर पांच, लैक ऑफ स्लीप, अगर आप ठीक से सोते नहीं हो तो आपके मोटे होने के चांसेस ज्यादा हैं। नंबर छह, एजिंग, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है और वेट बढ़ने लगता है। नंबर सात, हेरिडिटरी, मोटापा आपकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी हो सकता है। नंबर आठ, मेडिकेशंस, कुछ दवाइयां लेने से वेट बढ़ जाता है जैसे कि इंसुलिन, एंटी डिप्रेसेंट, स्टीरॉइड्स और बर्थ कंट्रोल पिल्स। नंबर नौ, डिजीजेस, चंद बीमारियां जो आपका वेट बढ़ाती है जैसे कि हाइपोथायराइड, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम। और नंबर दस, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट बढ़ जाता है वो डिलीवरी के बाद भी कुछ महिलाओं में घटाना मुश्किल हो जाता है। तो ये थे कुछ रीजंस। ये जो मोटापा होने से ना सिर्फ हमारी अपीयरेंस पर असर पड़ता है बल्कि कई सारी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, दिल और उससे जुड़ी आर्टरीज की बीमारियां, सांस लेने में तकलीफ, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़ों की बीमारियां, बॉडी पेन्स, फैटी लिवर या लिवर में फैट जमा हो जाना, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स, और लेडीज में पीरियड्स ठीक से नहीं होते, बच्चे होने में तकलीफ होती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, और पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता जिसको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन भी कहते हैं, और यहाँ तक के मोटापे से कई सारे कैंसर होने तक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मोटापे से आत्मविश्वास में कमी रहती है और अक्सर मोटे लोग डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। अब चलिए जानते हैं कि हम कैसे पता करें कि हम मोटे हो रहे हैं। ये तो सबसे पहले तो आपको आपके कपड़े टाइट होने लगेंगे, और जो मर्दों में 40 इंचेस से ज्यादा और औरतों में 35 इंचेस से ज्यादा वेस्ट सर्कमफ्रेंस यानी कि कमर का साइज हो तो मोटापे का खतरा हो सकता है। और बीएमआई 25 से ज्यादा, इसके लिए आप मेरी वीडियो बीएमआई की जरूर देखें जिसमें बीएमआई को डिटेल में डिस्कस किया है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देती हूँ। जानते हैं कुछ जरूरी टेस्ट जो आपके डॉक्टर को मदद करती है ये समझने के लिए कि आपको कितना वेट कम करने की जरूरत है और आपके हेल्थ कंडीशन कैसे है और आपको कौन सी बीमारियां होने का खतरा है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, थायराइड टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स और हार्ट टेस्ट जैसे कि ईसीजी वगैरह। अब हम जानेंगे इस मोटापे का ट्रीटमेंट या इलाज कैसे करें। ट्रीटमेंट का एम या मकसद यही होता है कि हम आपकी हेल्प करें वजन को कम करने के लिए और एक हेल्थी वेट मेंटेन करने के लिए। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस डिपेंड होते हैं कि आपका मोटापा किस लेवल का है और आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। पहले तो आपको खुद की हेल्प करें मोटापे से बचने के लिए, और अगर
वेट बढ़ गया है तो इसे कम करने के लिए वो कहते हैं ना कि सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। जैसे कि नंबर एक, चेंज इन ईटिंग हैबिट्स, खाना खाने की आदतों को बदलें। मैदे से बनी चीजें, शुगर या चीनी से बनी चीजें, जंक फूड, तली हुई चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स मत खाएं या फिर कभी कभार खा सकते हैं। कोशिश करें कि आपकी डेली डाइट में बैलेंस फूड इंक्लूड हो। सब्जियां और सैलेड ज्यादा खाएं। फल जैसे कि संतरा, अमरूद, कीवी, एप्पल, तरबूज, पेयर, ऑरेंजेस जिसमें विटामिन सी ज्यादा हो वो खाएं और दूसरे सीजनल फ्रूट्स खाएं। हमेशा खाने को अच्छी तरह चबा कर खाएं और छोटे छोटे निवाले लें बाइट्स में। नंबर दो, पानी। 8 से 10 गिलास या 2 से 3 लीटर दिन में पानी लें। सुबह खाली पेट वार्म वाटर लें और खाने से 10 मिनट पहले 1 गिलास पानी जरूर लें। और पानी की तो जो क्वांटिटी होती है सीजन के हिसाब से भी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा समर का सीजन है तो आप बढ़ा सकते हैं या फिर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो भी बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, इंक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी। ज्यादा देर बैठे मत रहें, कोशिश करें कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो। रोजाना शुरू करें आधे घंटे की वॉक से, फिर धीरे धीरे इसका समय बढ़ाते जाएं। नंबर 4, स्लीप। 6 से 8 घंटे की नींद करें, ना उसे कम ना ज्यादा। नंबर 5, तनाव। स्ट्रेस या तनाव से शरीर में जमी कैलोरीज का नष्ट होना मुश्किल हो जाता है जिससे मोटापा और बढ़ जाता है। कोशिश करें कि जितना हो सके स्ट्रेस लेना कम करें। तो ये थे 5 टिप्स जो आपकी मुट्ठी में हैं। मैं अपने पेशेंट को इस टिप्स की जरूर सलाह हमेशा देती रहती हूँ, आप भी जरूर इसे फॉलो करें। इन सब के बाद आती है दवाइयों की बारी। इसमें होम्योपैथिक दवाइयां सबसे अच्छी हैं। होम्योपैथिक दवाइयां स्टिम्युलेट करती है और बढ़ाती है बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को और इस तरह वेट लॉस करने में मदद करती है बिना कोई साइड इफेक्ट के। होम्योपैथी में हम मोटापे का कारण समझकर उसे ट्रीट करते हैं क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से अलग है। तो होम्योपैथी में हम सारा केस इंडिविजुअलाइज करते हैं, फिर मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। मैं यहाँ पर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स मेंशन करूंगी जो ओबेसिटी में हेल्प करती हैं, जैसे कि अमोनियम म्यूल, एंटिम क्रूड, बराइटा कार, कैल्केरिया कार, कैप्सिकम, फ्यूकस वेसिकुलोसिस, ग्रेफाइटिस, काली कार, नेट्रम फॉस, नेट्रम सल्फ, फाइटोलेका बेरी। इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हम सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों, वेट कम करना उतना इजी नहीं है, लेकिन जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए उसके साथ अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी वेट कम करने में मदद करती हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया, तो जरूर इसको लाइक करें और दूसरों में शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।